सर, जनसंपर्क के दौरान आज महुगंज हरमुरा में है, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाह रहे हैं कि जो तानाशाही है, जिस तरह से संविधान खतरे में है और इनका रवैया है, ये दो दो मुख्यमंत्रियों को चुनाव के चलते जेल में डाल रहे हैं और लगता है कि आज भारत नहीं है, रसिया का लोकतंत्र हो गया, चाइना का लोकतंत्र हो गया, तो आम पब्लिक जो थोड़ा भी बुद्धिजीवी वर्ग है वो बुरी तरह से डरा हुआ है, संविधान खतरे में है। तो इनके विरुद्ध हम अपना संघर्ष जारी रख रहे हैं और जनता में भी पिछले एक महीने से तेज़ी से बदलाव आया है। मोदी जी का चेहरा थोड़ा सा जनता के बीच में खुल गया है, वो चेक हो चुके हैं और जनता उनको अब बदलना चाह रही है। दूसरी बात, यहाँ के स्थानीय सांसद महोदय ने 10 वर्ष न जनता के बीच में कभी गए, न कोई काम किया, न केंद्र सरकार में रीवा की कोई बात रखी, न कोई चीज़ वहाँ से 10 लाख रुपए भी स्वीकृत करा के लाए और न अपने सांसद निधि से आपके मैंने कहीं किसी को कुछ दिया। आपके मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में 10 वर्षों में अगर उन्होंने 10 लाख रुपए भी स्वेच्छा अनुदान से दिए हों तो मैं जनता से अपील करूँगा कि उनको वोट दे दे, और अगर वो नहीं दिए हैं 10 वर्षों में 10 लाख रुपए भी और केंद्र से भी कुछ नहीं कराए तो हमारा 10 वर्ष का समय खा गए और मतलब क्या निकला, और उनकी संपत्ति 10 गुना बढ़ गई। तो इसलिए उन्हें ज़रूर जनता खारिज करेगी, मुझे ये उम्मीद है। और सुखेंद्र सिंह मन्ना जी हमारे जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं मऊगंज के, उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और वो हमारे इसके लोकसभा के प्रभारी भी हैं और निश्चित रूप से हमें पूरी उम्मीद है कि मऊगंज में हम रिकॉर्ड तोड़ वोटों से आगे जाएंगे, यही मेरी आशा और उम्मीद है। और यहाँ के कार्यकर्ताओं से अपील भी है और उनको धन्यवाद भी है कि जिस तरह से बन्ना जी ने यहाँ टीम बनाई है और तमाम संघर्ष किया। ठीक है, आंकड़े के खेल में हम जीत हार हो गए, अभी त्रिकोणी लड़ाई होती तो कहाँ हारते, हम त्रिकोणी लड़ाई थी तो हम सिमरिया में जीत गए। यहाँ पर चुनाव के समय थोड़ा सा 2-4 दिन में कहीं कुछ अपनी भी लापरवाही हो गई और वातावरण कहीं ना कहीं हम खुद में धोखा खा गए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आगे कांग्रेस का भविष्य है, सुखेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में मऊगंज तरक्की करेगा, नया जिला के लिए इन्होंने बहुत संघर्ष किया है, आगे भी यही इसको आगे बढ़ाएंगे और सब लोग साथ रहिए, साथ चलिए, मेरी यही अपील है। धन्यवाद।